हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी फातिमा सी, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन वाइट कढ़ाई, और उसकी रेसिपी आप लोग को भी मैं बताती हूँ ताकि आप लोग भी ट्राई कर सकें आसान तरीके से चिकन वाइट कढ़ाई। अगर आपने बनानी है, ग्रीन होगी या वाइट होगी, क्योंकि हम ज़ाहिर है हरी मिर्च वगैरह भी डालेंगे। तो ये देखें, इस तरह से बनेगी, ग्रीन वाइट टाइप इस तरह। तो हम इसे ट्राई करते हैं बनाना और फिर आप लोग देखें ताकि आप लोग भी ट्राई करें। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। और उसमें कुछ भी हो सकती है, वो कुकिंग व्लॉग या कोई भी फन एक्टिविटी बच्चों के साथ या फिर बैरियर की एक्टिविटी, कुछ भी हो सकती है। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को शेयर भी करें ताकि आपके साथ जितने भी लोग हैं वो लोग भी देख सकें। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कढ़ाई बनाना। तो आप भी जो कढ़ाई स्टार्ट करने के लिए मैंने ले ली है, सबसे पहले कढ़ाई, ये मैंने वॉश करी थी। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये मत समझिएगा कि मैंने वॉश नहीं करी, ये वॉश है एक्चुअली। असल में मैंने थोड़ी देर गैस पर रखी थी आँच पर, तो ये पानी ड्राई हुआ। ठीक है, हमने ले लिया कढ़ाई, उसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, और वो मैं ले लेती हूँ। आप लोग अपने चिकन के हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना आप ले लीजिएगा, ठीक है। बस इतना काफ़ी है, क्योंकि ये है चिकन ना, तो उस हिसाब से इतना काफ़ी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कटी हुई, चॉप भी करी है मैंने कटी हुई पतली पतली प्याज है ये, मैं ये ऐड कर रही हूँ। वैसे अमूमन कढ़ाई में प्याज वगैरह नहीं डलती, लेकिन ज़रा लोग मेरे घर में ज़्यादा हैं तो मुझे इसलिए ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं प्याज डाल रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग को डालनी है डालें, नहीं डालनी तो ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं। सो मैंने प्याज ऐड कर ली, अब इसको हम ब्राउन करेंगे। साथ साथ मैं ये एक टिप बताती चलूँ, जिनके नॉन स्टिक बर्तन हैं उसमें वो या तो उनके ही जो स्पून आते हैं नॉन स्टिक वाले वो इस्तेमाल करें, या फिर इस तरह लकड़ी के जो होते हैं वो इस्तेमाल करें। लोहे के, स्टील के बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, उससे आपका ये जो नॉन स्टिक, ये जो ब्लैक ब्लैक होगा ये ख़राब हो जाएगा। सो अब हमने ये प्याज रख दी है ब्राउन होने के लिए, प्याज को हम ब्राउन होने देंगे। अच्छा जी, प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है, लेकिन इसको मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, अभी हल्की हल्की ही ब्राउन करेंगे और मिक्स करते रहेंगे ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो, ताकि हमारा जो ग्रेवी है वाइट चिकन की या ग्रीन चिकन की वो ब्लैक ब्लैक या ब्राउन ना लगे। अब हम फ्राई की तरफ आते हैं, ये हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है, इसमें मैं फिर ऐड करूँगी चिकन, थोड़ी सी और हो जाए, फिर इसमें हम डालेंगे चिकन। आई थिंक इट्स एनफ, ये पूरी ब्राउन हो गई है, लेकिन हम इसको और ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन, और चिकन का कलर चेंज होने तक चिकन को पकाएंगे। और ये मोमोज वाली भी मैंने डाल दी, अब इसको हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे। मिक्स करके चलाते पकाते। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और इसको थोड़ा सा और पका दें। इसमें ये होता है कि इसकी हीट निकल जाती है ना, फिर उसके बाद आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और मजीद हीट निकल जाएगी, तो वो उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। पानी इसका चिकन का जो सूख जाता है ना, उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब मैंने ऐड किया चिकन का लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसमें अब इसको अच्छे से पकाएंगे, ताकि पकाया बची हुई जो हीट जो होती है, जो स्मेल होती है, वो इससे चली जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट से थोड़ा दौड़ा भी, मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट का टेस्ट बहुत पसंद है। और आप लोग अपने जितना आप लोग को इस्तेमाल करना हो उतना डाल सकते हैं हसबे ज़रूरत। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, अच्छा जी मिक्सिंग करके मैंने रखा है। और इसकी सबसे बड़े मज़े की बात जो है वो ये है कि आप इसको झटपट बना सकते हैं, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और कोई भी मतलब एमरजेंसी में आपको कुछ बनाना है तो आप जल्दी से बना सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला और फिर उसके साथ बनाई करेंगे। अब आपने देखा होगा मैंने सबसे पहले जो है लहसुन अदरक का पेस्ट से बनाई करी अलग से, अब मैं इसकी मसाले के साथ अलग से बनाई कर रहा हूँ। हर चीज़ की अलग अलग से बनाई करने से ये होता है कि टेस्ट अच्छा बन जाता है खाने का। हमने पैकेट डाल दिया, अब इसको मिक्स करूँगी मैं। आप ये देख सकते हैं मसाला मैंने डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा पानी डाला ताकि चिकन भी पकती रहे और मसाला भी चिपके ना, तो मसाला मैंने ऐड कर दिया है। और अक्सर वाइट कढ़ाई में ऐसा होता है कि ज़्यादा स्पाइस नहीं होता, तो अगर आप लोग को ज़्यादा स्पाइस पसंद है, किसी की चिकन की या सालन की क्वान्टिटी ज़्यादा रखनी है
तो वो ऐसा करेंगे कि दही में मैंने तो 3 मिर्च डाली हैं और अभी वो दही में ऐड करूँगी, वो ये रहा। इसमें आप लोग फेंट सकते हैं, आपको जैसे दही में आपको ऐड करनी होंगी 3 से 4 हरी मिर्चें, तो आपका जो स्पाइस की लेवल होगी वो इक्वल हो जाएगी, जितनी आपको चाहिए आप उतनी आप हरी मिर्चों से बना सकते हैं। नहीं तो उसके अलावा आप ये काम कर सकते हैं कि ऊपर से आप पिसी हुई काली मिर्चें जो होती हैं, ब्लैक पेपर जो होता है, आप उससे भी स्पाइस अपना अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें लाल मिर्चें कुटी पिसी कुछ भी नहीं डालनी है, सब इस पैकेट में मौजूद था, और एक्स्ट्रा अगर आपको रखना है तो आप हरी मिर्चें रखेंगे या फिर काली मिर्चें। तो मसाले की जो भुनाई है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो इस तरह से पता लगता है कि आप ये देख सकते हैं साइडों पे और ये सेंटर में ये जो बुलबुले आ रहे हैं, ये ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही, और दही में मैंने डाली हैं 2-3 हरी मिर्चें, तो ये अपने टेस्ट को डेवलप करने के लिए ये हमने मिर्चों वाला दही डाल दिया। सारा निकाल लेंगे, इस तरह करके हमने निकाल दिए, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें आप, ये लिक्विडी भी हो गया, इसी में ही ये जितनी भी ग्रेवी है इसी में ही ये चिकन कंप्लीट बनेगी और फिर ये गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसी में प्रॉपर इसको सारी चिकन को हम इसी दही वाले पानी में पकाएंगे, और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है जैसे कि हरी मिर्चें, वो मैं यहाँ से भी ऐड करती हूँ। ये रही हरी मिर्चें, अब हरी मिर्चें ये मैंने वॉश करके रखी हुई हैं, आप वॉश करके आपको बड़ी वाली डालनी है या ये पतली वाली डालनी है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो 2 मैं बड़ी ले लेती हूँ और 2 मैं छोटी ले लेती हूँ, इस तरह करके। आप चाहें तो कट लगा के डाल दें या तो ऐसे डाल दें, मैं इसको पेस्ट को हम साइड पे करते हैं। मैं कट लगाती हूँ इन मिर्चों को और ये मैं डाल देती हूँ ऐसे ही, क्योंकि ये थोड़ी सी तेज़ होती है तो वो स्पाइस लेवल को इक्वल कर लेती है, और मिर्चें मेरे अलावा कोई खाता भी नहीं है तो 4 मेरे लिए काफ़ी होंगे। जी मिर्चें मैंने ऐड कर ली हैं, सब कुछ इसमें मिक्स कर लिया है। अब जो है मैं इसको ढक दूँगी, थोड़ी देर चिकन पकेगी, और जब चिकन पूरी पक जाएगी उसके बाद ऊपर से हमें जो भी इस तरह से इन्होंने गार्निशिंग करी है उस तरह से हम कर लेंगे, अदरक डाल देंगे, धनिया डाल देंगे। तो अभी ये रेडी हो जाए फिर मैं दिखाती हूँ आपको। लेकिन जब ये वाला स्टेप आए खाने का जिसमें हमें थोड़ी देर उसको पकाना है, तब तक हमें क्या करना चाहिए, इधर उधर भागने के बजाय हमें करना चाहिए कि ये जो फैलावा हो जाता है साथ साथ, ताकि हमें इसको समेटना चाहिए ताकि किचन हमारा साथ साथ सिमटा रहे। और आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल मैंने फ्रंट पे लगाया है। सो अब मैं जल्दी जल्दी से इसको समेटती हूँ और फिर अपने खाने को चेक करेंगे। अच्छा जी, किचन तो मैंने साफ सफाई भी कर लिया है, क्लीन कर लिया है, और ये चीज़ें वो हैं जो अभी मुझे ऐड करनी है, और अभी मैंने एक दफ़ा मिक्सिंग भी कर ली इसमें, ताकि जो पहले पक गया है वो ऊपर आ जाए और जो बाद वाले हैं वो नीचे चले जाएं। अभी ये और पक रहा है। उसके अलावा अभी जो ऊपर से मुझे डालना है वो ये क्रीम ऐड करनी है मुझे, फिर उसके बाद टेस्ट चेक करने के बाद ये काली मिर्चें और गरम मसाला है, और ये है अदरक, ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं जो डालूंगी ना ये वो सब मैंने यहाँ साइड पे रख दिया। धनिया मिला नहीं अभी, अगर मिल जाएगा तो डाल देंगे। सो ये अभी पक रहा है, देख सकते हैं आप, ऑयल आना शुरू हो गया, मतलब कि ये अभी पकने वाला है थोड़ी देर। अच्छा जी, तो काफ़ी हद तक इसका पानी भी ड्राई होके ग्रेवी बन चुका है, मुझे दही का था और थोड़ा सा जो हमने ऐड किया था तो वो ग्रेवी बन चुका है, चिकन भी काफ़ी हद तक गल गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा दम पे भी रखना है, इसमें मैं ऐड करूँ थोड़ी सी क्रीम ऐड करके हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छे से, ताकि क्रीम जो है पूरी अंदर मिक्स हो जाए। क्रीम ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं जो करने वाली हूँ ये है कि ये जूलियन कट मैंने अदरक करी है और इसको मैं फैला के रख दूँगी, लेकिन आँच हमें बिल्कुल स्लो रखनी है। अदरक डाल दी हमने, फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ काली मिर्च, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए, ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पाइस लेवल मेरा ठीक है, हरी मिर्चों से मैंने इक्वल कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा गार्निशिंग अच्छा लगता है, और दूसरा ये कि इसकी खुशबू डेवलप होगी। और ये है गरम मसाला, थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे।
और धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको इसी तरह ढक दूंगी और अच्छे से इसकी स्टीम में इसकी खुशबू रेडी हो जाए, फिर उसके बाद हम बंद कर देंगे इसे।